घर में निहाल हो गए। जी हाँ, ये गाना सचिन पायलट पर बिल्कुल फिट बैठता है। दरअसल उन्होंने चुनावों में कांग्रेस को तो जीत दिलवा दी, लेकिन खुद मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। बस फिर से जब जीतने के उद्देश्य से मोदी और ओवैसी के राजस्थान दौरे पर सचिन पायलट ने तर्ज कसा है। जी हाँ, ये बात तो विरोधी भी मानते हैं कि कांग्रेस की तरफ से अशोक गहलोत की जगह पर सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। हालांकि सचिन पायलट विधानसभा चुनावों में जीत के बाद से ही मुख्यमंत्री बनने के लिए सब कुछ आसमानी, लेकिन उन्हें सफलता नहीं। वहीं अगर कांग्रेस सचिन पायलट को लेकर जल्द ही कोई फैसला नहीं करती है तो ये भी हो सकता है इस बार कांग्रेस का कोर वोटर भी पार्टी के खिलाफ मतदान करे, और कोर वोटर्स का भटक जाना ये पार्टी किसी भी पार्टी के लिए बहुत ही नुकसानदायक साबित होता है। शायद यही वजह है कि ओवैसी ने कहा है कि सचिन पायलट का अरमान कभी पूरा नहीं होगा। यानी हम नहीं कह रहे हैं, ओवैसी ने कहा है कि सचिन पायलट का जो अरमान है वो कभी पूरा नहीं होगा, क्योंकि सचिन पायलट को खुद कांग्रेस के लोग ही सफल नहीं होंगे। हालांकि पायलट ने इस दौरान मोदी और ओवैसी पर निशाना साधकर ये जताने की कोशिश की है कि वह मुख्यमंत्री की रेस से पूरी तरह से बाहर नहीं। बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने राज्य में चुनावी साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी के बार बार राजस्थान आने पर कटाक्ष करते हुए कहा कि दोनों नेता 4 साल तक कहां थे। वहीं उन्होंने दावा किया कि ये लोग चुनाव खत्म होते ही गायब हो जाएंगे। पायलट ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के दिल्ली दौसा हिस्से के उद्घाटन के लिए दौसा जिले को सिर्फ इसलिए चुना क्योंकि वह कांग्रेस पार्टी के गढ़ में दस्तक देना चाहते हैं। पायलट ने और भी बहुत कुछ कहा, सब आपको बताएंगे, उसके लिए खबरों में बने रहें। पायलट ने आगे कहा कि मैं वादा करता हूँ कि जिस दिन राजस्थान के चुनाव खत्म हो जाएंगे ये लोग फिर ये यहाँ से गायब हो जाएंगे, और हम लोग जो यहाँ बैठे हैं वही आपको सुख दुख के साथी हैं। हम लोग जो यहाँ बैठे हैं वही आपके सुख दुख के साथी हैं। पायलट ने कहा कि फरवरी का महीना है, चुनावी साल है, इसलिए कभी मोदी जी दौसा जा रहे हैं तो कभी ओवैसी टोंक जा रहे हैं, लेकिन ये दोनों नेता 4 साल से कहां गायब थे। उन्होंने कहा कि जब चुनाव आए हैं तो आप बड़े बड़े भाषण देने आ रहे हैं, चुनाव आए हैं तो आप मजहब धर्म की बात करते हैं, लेकिन चुनाव से पहले आप कहां थे। कटाक्ष भी और सवाल भी। इस तरह सचिन पायलट ने मोदी और ओवैसी दोनों के खिलाफ पलटवार किया है। इस पर आलोचकों का ये कहना है कि सचिन पायलट के असली विरोधी मोदी या ओवैसी नहीं बल्कि उनकी पार्टी के लोग हैं। हो सकता है कि आगामी चुनावों में सचिन पायलट ओवैसी और मोदी को रोकने में कामयाब हो जाए, लेकिन कांग्रेस उन्हें मुख्यमंत्री बनाएगी इस पर संदेह है। खैर, ये रिपोर्ट यहीं तक। इस तरह की रिपोर्ट के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात। दीजिए इजाजत, नमस्कार।